हाँ चालू हो गया। आज कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ का नाम है मेरी वसीयत और इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि मेरे देश की जनता ने मुझे, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाह कर भी कुछ भी करूं इनके लिए और उसके बदले एक छोटे से हिस्से के बराबर में भी इनका एहसान नहीं चुका सकता और एहसान के साथ साथ इनकी कीमत नहीं अदा कर सकता। इसके बदले कुछ दे पाना यह है मुमकिन नहीं है। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर इतने ज्यादा एहसान है कि हम लोगों ने, अब ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि हम लोगों ने मिलजुल कर बड़े से बड़े कार्य पूर्ण कर लिए हैं और जब कार्य करते थे तो किसी किसी कार्यों में कामयाबी मिलती थी, सफलता मिलती थी और किसी किसी कार्यों में असफलता भी यानी नाकामयाबी भी मिलती थी। तो नाकामयाबी में दुख भी होता था और जब हम कामयाब यानी सफल हो जाते थे तो प्रसन्नता भी होती थी। पर जब असफल हो हम तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए कि यह काम हम बंद कर दें। तो वो अपनी वसीयत में लिखते हैं कि मैं चाहता हूं, सच्चे दिल से चाहता हूं कि जब मेरी मौत हो तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाज ना किए जाए और मैं इन्हें सभी बंधनों को तोड़ना चाहता हूं। मैं एक बात मानना चाहता हूं कि जब मेरा स्वर्गवास हो जाए, मेरा देहांत हो जाए, मुझे अग्नि में जला दिया जाए तो उसके बाद जो अस्थियां बचती हैं वो वहीं पर जलाकर इलाहाबाद भेज दी जाए। अब वो अपनी अस्थियों को कहां कहां डालना चाहते ये बतला रहे हैं। कुछ अस्थियां इलाहाबाद में और कुछ है मुट्ठी भर लाल गंगा जल में डाल के बाकी हिस्से को बचाकर रखें। कहां पे डालें? जो बाकी राख को बचाना चाहते हैं उनका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी से पूजा करवाना चाहते हैं, नहीं, इसका अर्थ ये कतई नहीं है। उनका मानना है कि उन अस्थियों, उन राखों का विसर्जन कहां पर हो? खेतों में हो। क्यों हो? जिससे जो किसान मजदूर कार्य करते हैं तो मेरी ये अस्थियां पवित्र हो जाएं और गंगा यमुना से मुझे बचपन से ही लगाव रहा है। गंगा में मेरी अस्थियां किसी रीति रिवाज के तहत ना डाली जाए अपितु ये हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं, इससे हमें प्रेम है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी राख इन दोनों नदियों में डाल दी जाए। गंगा विशेषकर भारत की नदी है, भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को यह प्रिय है, जीवनदायिनी है। इसी से उनकी विजय गान, विजय पराजय ये सब उसी में निहित है। तो और डालने के एक आशय क्या है? गंगा में डालेंगे तो गंगा जहां जहां भी बहती जाती है तो उनकी अस्थियां वहां वहां बहकर जाएंगी, उन खेतों और खलिहानों में जाएंगी जिससे उनकी अस्थियां पवित्र हो जाएंगी। मैंने सुबह की रोशनी में
उछल कूद करते हुए पूरा दिन व्यतीत हुआ और जाड़ों में सिंधी से आहिस्ते आहिस्ते वह सुंदर धारा दौड़ती हुई समुद्र की सीमा में समा जाती है। मैंने भले ही पुरानी रीति रिवाज रस्मों को छोड़ दिया हो पर मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिससे वह जकड़ा है और आगे बढ़े। मेरी यह तमन्ना है, यह इच्छा है कि सभी हिंदुस्तानवासी अपने मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर हों। चाहे यह सब मैं चाहता हूं फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि ऐसे रीति रिवाज इस समाज में न पले जिनसे व्यक्तियों की गति अवरुद्ध होती है। मुझे फक्र है इस शानदार उत्तराधिकारी का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है। मुझे भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सबों की तरह है इस जंजीर की एक कड़ी हूँ। मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ, रीति रिवाजों के बंधन में मैं भी बंधा हूँ। पर मैं सभी से अपील करता हूँ कि इन बुरे बंधनों को छोड़कर नए युग में प्रवेश करें और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दस्तखत करता हूँ। वसीयत उन्होंने अपने मरने के पहले लिखी, ये सब उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा और मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए जिससे वह महासागर में पहुंच जाए जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। उस महासागर में पहुंचे मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। जो महासागर हिंदुस्तान को घेरे हुए है, गंगा नदी में समाहित होने का तात्पर्य यह है कि मेरी अस्थियां भारतवर्ष के चारों ओर फैल जाएं। मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सभी खेत खलियानों में, सभी सड़कों में वह पहुंच सके जहां पर भारत के किसान मेहनत करते हैं और मिट्टी को अपना एक अंग मानते हैं। इनके प्रश्नोत्तर अगले समय में। जय हिंद।